लगया नी मेरा, दिल लगया नी मेरा, चन्ना अज सारा दिन। अब अवैस भाई का दिल नहीं लगता। अवैस भाई बड़े बंदे हो गए हैं, अब बड़े लैपटॉप से बातें करते हैं, एप्पल है 10वीं जनरेशन लेके बैठे हुए हैं, और इनका अब दिल नहीं लगता छोटी जनरेशन में। ऐसे जी ही है। ऐसे ही है, तो अवैस भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। तो आप आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मशीनें लेके बैठे हुए हैं? आज मैं मैकबुक एयर और प्रो 2013, 2014, 15, 17 ये वाली मशीनें लेके हूँ, और i5 में 10th जनरेशन। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। ये मैकबुक एयर 2013 i5 है, 2013 है ये, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ है। कंडीशन आपके सामने है, आप देख सकते हो। और वैसे इस लैपटॉप की प्राइस क्या है? लैपटॉप की प्राइस है 8256 के साथ, ये 60,000 का है, 60,000 में आपको 8256 मैकबुक एयर एयर 2013 मिल 13 में जाएगी। जी। और इसके बाद आती है मैकबुक एयर 2014 मैकबुक अर्ली, एयर 2014 है। ये कोर i5 है, i5 2014, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ है। 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ ये मॉडल अवेलेबल है। कंडीशन आप सब लैपटॉप की देख सकते हो, जितने भी पड़े हुए हैं कंडीशन टेन बाई काफी टेन अच्छी है। कंडीशन में है। इसकी क्या प्राइस है? ये भी 60,000 की है, ऐसे 2013 2014 दोनों 60-60 हज़ार की, साठ साठ हजार की है। तो फर्क है इनमें? फर्क है, जब आप शॉप पे आओगे फिर बताएंगे। ये कि इसमें ना माइनर से, जब स्टॉक आ रहा था ना तो तब डब्बे पे ऊपर उन्होंने डब्बे रख दिए, तो इसमें ना हल्के से स्पॉट आ गया था एक। ठीक है, ये देख लेंगे। बिल्कुल लेकिन ये माइनर सा कि स्पॉट है जो कैमरा में भी नजर नहीं आ जी, रहा है, लेकिन प्राइस भी आपको देखे स्पॉट के हिसाब से ठीक ये कि इस चीज की गारंटी होती है कि ये स्पॉट बढ़ता नहीं है होगा। ये स्पॉट जी। बढ़ेगा नहीं, आपको स्पॉट दिखा के दिया जाएगा, गलतफहमी नहीं होगी। जी नहीं तो उसके बाद आ जाती है 2015 एयर, 2015 का एयर अवेलेबल है 11 इंच स्क्रीन साइज, 11 इंच में। ये भी i5 है 2015, 8 GB, 4 GB रैम और 128 GB SSD के साथ। इसकी प्राइस क्या है? ये 65,000 की है, ये 65,000 में मिल जाएगी आपको i5 की 5th जनरेशन में 2015 पंद्रह एयर। चार चार 128 है ये SSD। इसकी SSD अपग्रेडेबल है वैसे SSD अपग्रेडेबल है इन सारी मैक में। जी। नेक्स्ट कौन सा लैपटॉप? इसके बाद आ जाती है मैकबुक एयर 2015 मैकबुक एयर 2015 i5, 8 GB रैम है और 256 GB SSD के साथ। 256 GB SSD के साथ। तो जी आप देख सकते हैं 2015 वाली जो सी मैकबुक है वो हॉट सेलिंग आइटम्स में जी, से एक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बिकनी होती है। तो वैसे इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगी 75 की 75,000 में 2015 एयर 8256 में मिल जाएगी। जी। नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा हमारे पास? मैंने जैसे कि कल आपको लैपटॉप दिखाए थे मॉडल, लेकिन नीचे कमेंट आए थे कि भाइयों के, भाई ये अगर आप इनके रेट भी बता देते तो अच्छा हो जाता है। मैंने कहा चलो आज थोड़े लैपटॉप दिखा देते हैं लेकिन रेट के साथ बता देते हैं। तो इसके बाद आ जाती है मैकबुक एयर 2017 2017 की मैकबुक है, 8 GB रैम और 512 GB SSD नजर आ रही जी, है। 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ है। और इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगी 97,000 में 97,000 में 2017 एयर मिल जाएगी, वो भी जी, 8 और 512 GB 512 की के, स्टोरेज के 8 512 के साथ। नेक्स्ट कौन सा लैपटॉप? ये हमारी एयर जो जितने भी मैकबुक एयर हैं वो हमारी आज हो गई है कवर। इसके बाद आ जाती है मैकबुक प्रो, हम आ गए मैक प्रो की तरफ। मैकबुक प्रो है 2014 मैक प्रो 2014 i5, 16 GB रैम और 256 GB SSD के साथ है। 16256 के साथ मैक प्रो 2014 है। कंडीशन आप देख सकते हो। अच्छा वैसे इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है ये 90,000 की है, ये 90,000 में मिल जाएगी आपको मैक प्रो 2014 सोलह सोलह जीबी रैम वाला वेरिएंट दो दो सौ सौ छप्पन छप्पन जीबी के जीबी साथ जी। और नेक्स्ट मशीन है इसके बाद आ जाती है मैकबुक प्रो 2015। 2015 का प्रो वर्जन मिल जाएगा। भाई उन्हें कहना है कि यार इनके इसके ऊपर तो चिट लगाई नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि ये 2015 प्रो है, तो क्योंकि ये चेक की हुई है हमने। ये भी 16 GB रैम और 256 GB SSD के साथ है।
256 के साथ है जी, ये कितने में मिल जाएगी मैक प्रो? ये आपको मिल जाएगी 95,000 95,000 में मिल जाएगी। 16 GB 256 GB है सर, 2015 प्रो का प्रो। नेक्स्ट कौन सी मशीन अवेलेबल है? और इसके बाद आ जाती है मैक प्रो 2015 i5 है, 8 GB और 256। ठीक है, ये भी मैक प्रो 2015 है लेकिन वो 16 GB थी, 8 GB, 8 GB इसमें क्या फर्क है प्राइस में? ये भी आपको मिल जाएगी 85 के अंदर, 85,000 में आपको मैक प्रो 2015 मिल जाएगी जी, 8 GB रैम वाला, 8 256। और इसके बाद आ जाती है हॉट आइटम 15-6 स्क्रीन साइज बड़ी मशीन, देख सकते हो आप, ये मैकबुक प्रो 2015 कोर i7 है, ये 2.8 क्वाड कोर है, 16 GB रैम और 1 TB SSD और 2 GB का ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर, 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 2.8 क्वाड कोर, एक रेयर प्रोसेसर है मैकबुक 2015 का, और 15-6 स्क्रीन साइज है इसका। इस मशीन की प्राइस क्या है? ये मशीन आपको मिल जाएगी 180 में, 1,80,000 में ये मिल जाएगी 1 TB वाले वेरिएंट, 1 TB स्टोरेज की आप ऑनलाइन प्राइस चेक कर सकते हैं कि 1 TB स्टोरेज कितने की है, और नॉर्मल 1 TB NVMe से महंगी होती है। तो नेक्स्ट मशीन कौन सी है हमारे पास? हमारे पास है डेल की, ये 5590 2-in-1 का क्या मतलब है? ये 368 है, 15-6 स्क्रीन साइज के अंदर 368 में मशीन है, कोर i3 10th जनरेशन है, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ, 1080p रेजोल्यूशन के साथ, बैकलाइट कीबोर्ड। अच्छा एक और चीज पूछ रही थी, टच भी है, टच भी है, हाइपर स्टोरेज है, हाइपर स्टोरेज भी है, ये मजेदार मशीन है, 13.6 इंच वो भी हाइपर स्टोरेज 360 रोटेट के साथ, कभी कभार आने वाली मशीन है जी। क्या प्राइस है इसकी? ये आपको मिल जाएगी 1,00,000 के अंदर, 1,00,000 में आपको ये 10th जनरेशन लैपटॉप मिल जाएगा, 368 हाइब्रिड स्टोरेज, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ। नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा? और इसके बाद आ जाती है डेल इंस्पिरॉन, डेल इंस्पिरॉन मिल जाएगी i5 10th जनरेशन है, 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ, 8 GB रैम और 256 GB इसमें SSD भी लगी हुई है, ये भी बैकलाइट कीबोर्ड और 1080p स्क्रीन और टच के साथ, 1080p टच बैकलाइट तीनों फीचर्स अवेलेबल हैं जी। ये कोर i5 की 10th जनरेशन, इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगी 95,000 की, 95,000 की। तो वैसे आज हमने ये मैकबुक की अच्छी वैरायटी कवर की है, साथ में कुछ 10th जनरेशन लैपटॉप को भी कवर किया है जी। तो बताएं कि हम जो सब व्यूअर्स हैं वो लैपटॉप लेने के लिए कहाँ पे हैं? लैपटॉप लेने के लिए आपको लाहौर में, अगर आप बाहर से हो तो लाहौर आना पड़ेगा, अगर लाहौर में हो तो आपको फी सेंटर के साथ आना पड़ेगा, फी सेंटर गेट नंबर 1 के साथ, जिधर फी सेंटर की पार्किंग होती थी उधर एक नया प्लाजा बन गया है MCT मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी के नाम से, उसके फर्स्ट फ्लोर पे शॉप नंबर 1, 2, 3 और 15, ये 4 शॉप है, 15 के अंदर बॉक्स पैक होते हैं जिसके अंदर हम खड़े हुए आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बॉक्स पैक लैपटॉप रखे हुए हैं, और जो शॉप नंबर वाली शॉप है उसके अंदर यूज लैपटॉप पड़े हुए हैं जी। तो वैसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं जी, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 03216827158, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को